राग दरबारी के 50 साल होने जा रहे हैं। महान साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल की ये रचना सिर्फ उनके उपन्यास में नहीं बल्कि हमारे आसपास भी जीवित है आज भी। आप कह सकते हैं कि हमारी व्यवस्था का लाइव टेलीकास्ट जो इस उपन्यास से शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। श्रीलाल शुक्ल इस दुनिया में नहीं है मगर राग दरबारी की दुनिया ही आज की दुनिया है। हमारा सिस्टम हमें हताश करता हुआ खुद ही हादसे में बदल चुका है। 50 साल पहले यानी 1968 में जब यह किताब आई तब उसी साल इसकी 2200 कॉपी बिक गई। पहले ही साल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया जो उसमें बड़ी बात थी। श्रीलाल शुक्ल की यह पहली किताब थी और आज से 50 साल पहले पहली किताब को पहले ही साल में साहित्य अकादमी मिल जाना बड़ी बात थी। राजकमल प्रकाशन के एडिटोरियल डायरेक्टर सत्यानंद निरुपम ने बताया कि आज भी यह किताब हर साल 25,000 से 30,000 बिकती है। राजकमल प्रकाशन का प्रबंधन इस दौरान 3 बार बदल गया इसलिए बहुत सारे आंकड़े नहीं हैं मगर 50 साल की यात्रा में यह किताब 5 लाख से ज्यादा बिकी है और करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा है। राग दरबारी आपने नहीं पढ़ी होगी तो भी मैं दावा कर सकता हूं कि आपने राग दरबारी पढ़ी है क्योंकि आप भारतीय व्यवस्था के किसी भी अंग के करीब जाएंगे राग दरबारी का ही अनुभव करते हुए लौटेंगे। हम पिछले साल से यूनिवर्सिटी सीरीज नौकरी सीरीज और बैंक सीरीज के जरिए जिस व्यवस्था का हाल आपके सामने ला रहे हैं उसकी भविष्यवाणी या उसे होता हुआ श्रीलाल शुक्ल 50 साल पहले ही दर्ज कर गए थे। उसकी राग दरबारी का एक हिस्सा है जो मैं राजकमल प्रकाशन से इजाजत लेने के बाद पढ़ रहा हूं और ये देखिए 1998 मैंने ली थी ये कॉपी। इसके चिथड़े उड़ गए मगर किताब जिंदाबाद है। उपन्यास राग दरबारी के कॉलेज का नाम था छंगामल इंटर कॉलेज लेकिन हमने आपके लिए कन्हैयालाल बसंतलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय की तस्वीर के साथ इस कहानी को पढ़ेंगे। स्क्रीन पे चलेगी तस्वीर कन्हैयालाल वाली और कॉलेज और बेरोजगारों को लेकर राग दरबारी का एक अंश पढ़ा जाएगा तो देखिए उसी तरह से और सुनिए उसी तरह से। इन्हीं सब इमारतों के मिले जिले रूप को छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट काली शिवपालगंज कहा जाता था। यहां से इंटरमीडिएट पास करने वाले लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं। हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं। हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसे कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है और इसलिए हमें देखो हम आज भी उतने ही प्राकृत हैं। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है, बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। जो राग दरबारी में है वही भारत में है। आपने प्रसंग तो सुना राग दरबारी का लेकिन जिस कॉलेज की तस्वीर हमने दिखाई वो यूपी के मिर्जापुर की है। तस्वीर ये इस कॉलेज से कॉलेज में भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह कभी पढ़ाते थे। यहाँ पर हमने पिछले साल इसका हाल दिखाया था। अभी पता किया तस्वीर उसी वक्त की है कि इसके हाल में कोई बदलाव नहीं यानी राग दरबारी का कोई अंश अभी तक नहीं बदला है। हम समझ सकते हैं कि कॉलेज प्रशासन ने इसलिए सुधार नहीं किया होगा ताकि राग दरबारी की आत्मा का अपमान ना हो जाए कि सब कुछ बदल गया। एक और प्रसंग सुन लीजिए। वो लिखते हैं श्रीलाल शुक्ल कि ये कॉलेज प्रायः किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से शिक्षा प्रचार के लिए और वास्तव में उसके लिए विधानसभा या लोकसभा के चुनावों की जमीन तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते थे और उनका मुख्य कार्य कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदानों का शोषण करना था। ये कॉलेज सिर्फ जमाने के फैशन के हिसाब से बिना आगा पीछा सोचे हुए चलाए जा रहे थे और यह निश्चय था कि वहां पढ़ने वाले लड़के अपनी रियाया वाली हैसियत छोड़कर कभी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और ऊंची नौकरियां या व्यवसाय जिनके हाथ में है उनके एकाधिकार का इन कॉलेजों की ओर से कोई खतरा नहीं पैदा होगा। भारत के विश्वविद्यालयों का हाल अब ऐसा है कि रोना कम आता है, हंसना ज्यादा होता है। हमने यूनिवर्सिटी सीरीज के दौरान देखा कि नेताओं ने आपके बच्चों को बर्बाद करने का कितना फूल प्रूफ इंतजाम किया है। यूपी के मिर्जापुर के इस कॉलेज का हाल दिखाया था लेकिन कुछ नहीं बदला। ये हिम्मत है कॉलेज के प्रशासन की। अब मैं आपको एक और आगे तस्वीर देखिए इस राग दरबारी से मिलती जुलती। लंगट सिंह कॉलेज की यह तस्वीर है। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के करीब 2.25 लाख छात्रों ने वर्ष 2017 में एक भी परीक्षा नहीं दी। 2016 में बीए में एडमिशन लेने वाले छात्र इंतजार कर रहे हैं कि प्रथम वर्ष का 2017 में परीक्षा होगी मगर नहीं हुई प्रथम वर्ष की। 2014 से 17 के बैच के छात्रों को बीए पास करके यहां से चले जाना था मगर अभी तक तीसरे वर्ष की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। वीसी अमरेंद्र यादव भी राग दरबारी के कैरेक्टर की तरह छात्र संघ के चुनाव और हड़ताल को
वजह बता रहे हैं। उसी तरह एक छात्र ने बताया कि बिहार के एक और विश्वविद्यालय बीएन मंडल विश्वविद्यालय में भी परीक्षा देरी से चल रही है। 3 नवंबर के प्राइम टाइम में हमने इसका हाल बताया था कि यहाँ बीए का कोर्स 2.5 साल लेट चल रहा है, यानी 3 साल का कोर्स आप 5.5 साल में करना चाहते हैं तो प्लीज बिहार जाइए और वहां जाके बर्बाद हो जाइए और नेतागिरी कीजिए। एक छात्र ने मैसेज किया है कि 2015-18 के सत्र में एडमिशन लिया हूं, मगर एक ही साल का इम्तहान हुआ है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। राग दरबारी लाइव चल रहा है, हमारा आपका मजाक उड़ा रहा है और हम ना रो पा रहे हैं ना हंस पा रहे हैं। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे एक शानदार कहानी।